हेलो दोस्तों, इंडियन चालबाज हॉर्स चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आतिफ अनवर। आज मैं जिस शख्स से आपको मिलवाऊंगा, उनका नाम है कल्लू। और उनकी जो मिसाल दी जाती है ना, कि वो बहुत ही ईमानदारी से अपना व्यापार करते हैं। एक चीज़ और है, उनका कद बहुत छोटा है, लेकिन जब किसी के हौसले बड़े होते हैं ना, तो कद जो होता है ना, छोटा कुछ नहीं होता है। जब हौसले बड़े होंगे तो कद कुछ ही नहीं है उसके लिए। तो व्यापार बहुत अच्छे तरीके से ईमानदारी से करते हैं। बता रहे हैं बहुत पुराना वो व्यापार कर रहे हैं घोड़ा घोड़ी। चलिए आइए मिलते हैं कल्लू जी से और बात करते हैं उनके जीवन के बारे में, क्या फैमिली है और कितने घोड़े लाए, कितने बिके। चलिए आइए बात करते हैं। कल्लू भाई, क्या हाल चाल है आपके? ठीक है भाई, बढ़िया है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो आप? जिला इलाहाबाद। इलाहाबाद के? तो ये व्यापार कितने टाइम से कर रहे हो? ये करीब 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। तो क्या सोरो मेले में कितने घोड़ा घोड़ी लेके आए थे? लेके 10-11 ठो आए थे। 10-11 ठो। तो आप ये 20 साल से कर रहे हो जी, तो बड़े घोड़ों का करते हो कि छोटे ही? बड़े छोटे सभी। अभी तो आपके पास ये हैं सारे, आपके ये बंधे हुए माल सारा बिक गया है? माल बिक चुका है। अच्छा, एक एक चीज मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने अभी कितने घोड़ा घोड़ी बेच दिए हैं? 8-9 बेच दिए हैं। तो मेला रहा कैसा? यार इतने सुस्त क्यों हो यार? कल्लू भाई यार, सही था मेला। गुटके बाज लग रहे हो तुम तो यार, फिर भी ईमानदार आदमी है बहुत। अच्छा, ये मैंने एक चीज़ सुनी, कई लोग ये कह रहे थे कि भाई ईमानदारी, आप बहुत ईमानदारी से धंधा करते हैं। जी भाई, देखो आधी रोटी खाए मगर ईमानदारी की खाए, बेईमानी की ना, समझे। मगर आजकल घोड़ेबाजी में बहुत धोखाधड़ी है। धोखाधड़ी है भैया, हम तो बता के देते कि ये भैया देखो तुम्हारे मतलब का नहीं, लेना हो लो, ना लेना हो तो मत लो। अच्छा, तो ऐसे किसी को गलत चीज़ नहीं देते? नहीं नहीं, गलत नहीं देते। अच्छा, जब घोड़ा घोड़ी लेते हो तो क्या देखते हो उसमें? उसमें हाथ पैर देखे जाते हैं और क्या। अच्छा, हाथ पैर। तो सवारी वारी कर लेते हो? नहीं, सवारी तो हमने अभी तक नहीं। अच्छा, नहीं की? नहीं नहीं। अच्छा, उम्र कितनी हो गई आपकी? कम से कम 34-35 साल। तो कल्लू भाई 34 साल के हो आप और 20 साल से ये रोजगार में हो, तो विरासत में मिला है घर वाले? घर वालों से। अच्छा, तो अभी घर पे भी हैं कुछ घोड़े क्या? नहीं, घर पे नहीं। तो आप कौन से मेले जाओगे? अब यहाँ से तकिया उन्नाव। अच्छा, उन्नाव। तो सारे मेले करते हो जी? तो सारे मेलों में ये वैसे छोटे घोड़े लेके जाते हो कि बड़े? बड़े सब लेके जाते, जहाँ जैसी बिक्री होती है उसे। अच्छा, लेकिन आपकी बड़ी पहचान है, मैंने जैसे लोगों से पता करा कि भाई कहने लगे कि भाई कल्लू जो है जी, जी, बड़ा अच्छा काम करते हैं, लोग आपसे मिल भी रहे थे जी। जो धोखेधड़ी का बिजनेस करते हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है? भैया देखो, उनकी किस्मत उनके साथ, मेरा ईमान मेरे साथ, उनका ईमान उनके साथ, समझे। अच्छा, आपका नाम वैसे असली क्या नाम है? असली ही नाम है कल्लू जी। कल्लू दीन। कल्लू दीन जी। यार नाम तो अच्छा है आपका, आप इंसान भी अच्छे हो और इस व्यापार में आप उम्मीद ये है कि बहुत बड़ा नाम करोगे, जिस तरह से आपका नाम चल रहा है। इंशाल्लाह। खुश रहा करो यार कल्लू भाई, यार मुस्कुराते रहो, खुशी है भाई साहब। अच्छा, बड़े मेले में नहीं जाते, सारन खेड़ा ये सब? नहीं जाते हो? क्यों नहीं जाते हो भाई, क्या वजह है? उतने माल नहीं मिलता ना वहाँ के लिए। अच्छा, उतना माल नहीं मिलता है। शादी हो गई जी? कितने बच्चे हैं? 4। कहाँ से हुई है? अरे मोहल्ले ही थी। लव मैरिज हुई थी? अरेंज मैरिज? नहीं, अरेंज मैरिज। तो लव मैरिज कर लेते? नहीं, लव मैरिज नहीं। तो क्या प्यार घोड़ा घोड़ी से ही कर लिया? हाँ, घोड़ा घोड़ी से प्यार है। घर नहीं जाते हो? कितने नहीं जाते हैं। लड़ाई होती होगी? नहीं, लड़ाई झगड़ा क्यों होगा? जब जाओगे नहीं घर तो यही होगा? नहीं यार, लड़ाई झगड़ा नहीं। तो सही चल रहा है मामला, जिंदगी कुशल मंगल है। आप देख सकते हैं कल्लू भाई के बड़े चाहने वाले हैं, लोग आ चुके हैं कल्लू भाई से मिलने, और कल्लू भाई कह रहे हैं कि भाई अब नहीं बनवाएंगे वीडियो। नाराज हो गए क्या कल्लू भाई? भाई नाराज है, आदमी नाराज ही नहीं होता यार। चलिए, कल्लू भाई से हमने आपको मिलवाया कि भाई ईमानदार व्यापारी हैं और इनके घोड़े ये बंधे हुए हैं, आप देख सकते हैं। कच्चर का काम है, थोड़ा सा छोटा काम है, लेकिन व्यापार इनका पुराना है। सोरो मेले से कुछ ना कुछ नया आपको मिलता रहेगा, इसीलिए आप चैनल सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि कोई वीडियो आपसे मिस हो जाए। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।